वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। माई सेल्फ मनोज कुमार शर्मा, लेक्चर कॉमर्स, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मुबारकपुर। टुडे वी विल डिस्कस मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया आधारभूत अवधारणाएं, बेसिक कंसेप्ट्स, आधारभूत सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल्स, और हमारा आज का विषय है मॉडिफाइंग प्रिंसिपल, परिवर्तनीय सिद्धांत। परिवर्तनीय सिद्धांत वे सिद्धांत होते हैं जो किसी भी व्यवसाय की प्रकृति, उसके आकार और स्थिति के अनुसार परिवर्तित किए जा सकते हैं। इन परिवर्तनीय सिद्धांतों के अंतर्गत सबसे फर्स्ट जो परिवर्तनीय सिद्धांत है वह है प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी, सारता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार व्यवसाय की प्रमुख व महत्वपूर्ण सूचनाओं को बिना किसी पक्षपात से प्रकट करना चाहिए। किसी भी व्यवसाय में कोई भी लेन देन उस समय सार्थक माना जाता है जब उसका ज्ञान विनियोगकर्ताओं के निर्णय को प्रभावित करता है। प्रत्येक व्यवसाय में कई ऐसे लेन देन होते हैं जो विनियोगकर्ताओं के निर्णय पर प्रभाव नहीं डालते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लो कोई व्यवसाय के विस्तार के लिए 70,000 रुपये का लोन लेता है, लेकिन ये लोन उसने अपनी किसी संपत्ति को बैंक में गिरवी रखकर लिया है। तो इस तरह इस लेन देन में जो लोन लिया गया है, जो ऋण लिया गया है, वह एक महत्वपूर्ण सूचना है जिसका लेखा जो है वो व्यवसाय की बैलेंस शीट में अवश्य होना चाहिए, क्योंकि यह सूचना जो है वो विनियोगकर्ता और अन्य प्रयोगकर्ताओं के लिए निर्णय लेने में सहायक होती है। अपितु यह लोन किस संपत्ति को गिरवी रखकर लिया गया है यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए इसे बैलेंस शीट में ना दिखाकर नोट के रूप में दिखाया जा सकता है। इसी तरह किसी भी व्यवसाय में स्टेशनरी के अंतर्गत बहुत से खर्च आते हैं, जैसे पेन, रिफिल, कार्बन पेपर, स्याही, एनवेल्प आदि। तो इन सभी को अलग अलग जो है वो लेखा पुस्तकों में दिखाने की बजाय एक ही हेडिंग, जिसे हम स्टेशनरी कह सकते हैं, उसके अंतर्गत दिखाया जा सकता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार अनावश्यक मदों का लेखा जो है वो लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाना चाहिए। दूसरे परिवर्तनीय सिद्धांत के रूप में है एक रूपता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। इस सिद्धांत के अनुसार व्यावसायिक लेन देनों को लेखा पुस्तकों में लिखने के लिए प्रतिवर्ष एक जैसी ही लेखांकन विधि का प्रयोग करना चाहिए, जिससे विभिन्न वर्षों के लाभ हानि खाते और
स्थिति विवरण में तुलना जो है वो आसानी से की जा सकती है। इन लेखांकन विधियों में संपत्तियों पर ह्रास लगाने की विधि, अंतिम रहितिया जिसे क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं उसका मूल्यांकन करने की विधि, देनदारों पर संदिग्ध ऋणों का प्रावधान लगाने की विधि शामिल है। यदि प्रत्येक वर्ष एक जैसी विधियों का प्रयोग न किया जाए तो हम उस व्यवसाय के विभिन्न वर्षों के वित्तीय विवरणों में आपस में तुलना नहीं कर सकते हैं। तीसरा परिवर्तनीय सिद्धांत है रूढ़िवादिता का सिद्धांत, जिसे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यवसाय में भविष्य में होने वाली समस्त संभावित हानियों की लेखों में पहले से ही व्यवस्था कर लेनी चाहिए, लेकिन जो संभावित लाभ होते हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए। इन संभावित हानियों में क्या क्या शामिल किया जा सकता है, जैसे अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन जो है वो लागत मूल्य या बाजार मूल्य दोनों में से कम पर करना चाहिए, विनियोगों का जो मूल्यांकन है वो भी लागत मूल्य या बाजार मूल्य दोनों में से जो कम है उस पर करना चाहिए, स्थायी संपत्तियों पर ह्रास की उचित व्यवस्था करनी चाहिए और भविष्य में होने वाले दुवत ऋणों के लिए उचित आयोजन करना चाहिए। रूढ़िवादिता के सिद्धांत को अपनाने से लाभ हानि जो खाता होता है वो वास्तविक लाभ से कम लाभ दिखाता है और बैलेंस शीट जो है वो भी संपत्तियों को उनके वास्तविक मूल्य से कम पर प्रकट करती है। नेक्स्ट परिवर्तनीय सिद्धांत है समयबद्धता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टाइमलीनेस। इस सिद्धांत के अनुसार व्यावसायिक लेन देनों का यथा समय उचित पुस्तकों में लेखा करना और लेखांकन की सूचनाओं को शीघ्रता से प्रबंधकों तक पहुंचाना होता है ताकि सूचनाओं की उपयोगिता बनी रहे, और इस सिद्धांत के अनुसार अंतिम खाते जो हैं वो लेखा वर्ष की समाप्ति पर शीघ्र से शीघ्र तैयार होने चाहिए। नेक्स्ट परिवर्तनीय सिद्धांत है उद्योग परंपरा का सिद्धांत। प्रत्येक उद्योग में कुछ ऐसी लेखांकन विधियां प्रचलित होती हैं जो परंपरागत रूप से लंबे समय से ही चली आ रही होती हैं, जिन्हें उद्योग की विशेष प्रथा या उद्योग परंपरा कहते हैं। उद्योग से अभिप्राय फर्मों के समूह से होता है। इस सिद्धांत के अनुसार उद्योग में काम करने वाली हर फर्म को लेखांकन करते समय इन परंपराओं का पालन करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर हमने पहले भी पढ़ा है कि उत्पादन आधार पर भवन निर्माण कार्यों में निर्माण कार्य के आधार पर आय की कमाई मानी जाती है और किराया क्रय पद्धति जिसको हायर परचेज सिस्टम भी कहते हैं उसके आधार पर काम करने वाली फर्मों के लिए प्राप्त किस्तों की राशि को ही आय माना जाता है और जो लाभ न कमाने वाली संस्थाएं होती हैं वो प्राप्ति भुगतान खाता और आय व्यय खाता बनाती हैं और उसी तरह जो है वो बीमा कंपनियां जो हैं वो लाभ हानि खाते के स्थान पर अपना
आगम खाता जिसे रेवेन्यू अकाउंट कहते हैं वो बनाती है। तो इस सिद्धांत के अनुसार उद्योग की विशिष्टताओं के अनुसार लेखांकन की विधियों से विचलित होना उद्योग के सिद्धांत को अपनाना होता है। और जैसे किसी उद्योग में अंतिम रहतिया जिस समय पर कम से कम रहता है उस समय पर शुद्ध लाभ का अनुमान अधिक शुद्धता से लगाया जा सकता है। अंतिम परिवर्तनीय सिद्धांत है सार तत्व की प्रारूप पर प्राथमिकता का सिद्धांत, जिसे प्रिंसिपल ऑफ सब्सटेंस ओवर फॉर्म भी कहा जाता है। व्यावसायिक व्यवहारों का लेखांकन उनकी सारता तथ्यता जिसे कहते हैं तथा वित्तीय वास्तविकता के अनुसार करना चाहिए, ना कि उनके वैधानिक प्रारूप के अनुसार। कुछ व्यवहार ऐसे भी होते हैं जिनका वैधानिक प्रारूप उनकी मूलभूत व्यावसायिक वास्तविकता अथवा सारता से भिन्न होता है। इन व्यवहारों का लेखा करते समय इनकी सारता को इनके प्रारूप की अपेक्षा प्राथमिकता प्रदान की जाती है। जैसे किराया क्रय के व्यवहारों में पहली किस्त का भुगतान होते ही जो क्रेता होता है उसे संपत्ति की सुपुर्दगी कर दी जाती है, परंतु वह अंतिम किस्त के भुगतान करने तक उस संपत्ति का वैधानिक रूप से स्वामी नहीं बन पाता है। तो ऐसे व्यवहारों का जो सब्सटेंस है, सार तत्व यह है कि किराया क्रेता को ऋण के आधार पर संपत्ति की सुपुर्दगी हो जाती है, जबकि ऐसे व्यवहार का वैधानिक प्रारूप यह है कि जब तक वो अंतिम किस्त का भुगतान ना करे तो प्रत्येक किस्त को संपत्ति के प्रयोग करने का किराया माना जाता है और अंतिम किस्त का भुगतान होने पर ही उसे जो है वो संपत्ति का स्वामित्व हस्तांतरित होता है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो से हमने परिवर्तनीय सिद्धांत डिस्कस किए। तो सबसे पहले हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक प्रिंसिपल्स और जो है वो परिवर्तनीय सिद्धांतों को डिस्कस किया। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।